हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद जया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्वीट कॉर्न की बहुत ही मसालेदार सब्जी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो आई होप आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। इस तरीके के वीडियोज़ अगर आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज, टमाटर, मगज के बीज, काजू एंड लहसुन एंड अदरक लिया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर रही हूँ, अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर पैन मैंने चढ़ा दिया है, इसमें मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करने वाली हूँ। आपके पास जो भी ऑयल है लाइक मस्टर्ड ऑयल है तो आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल के यूज़ किए हैं एंड तेल अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तो तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है तो मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। तो जीरा स्प्लटर होने लगा है तो इसमें मैंने 1 स्टिक दालचीनी की डाल दी है, 2 लौंग डाल दिया है, 1 इलायची डाल दी है एंड 10-12 करी पत्ता डाल दिया है। देन इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी ऐड किया है, 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर ऐड किया है एंड मसाले भुनने के बाद मैं यहाँ पर जो पेस्ट तैयार किया था प्याज अदरक लहसुन का, तो वो पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसे अच्छी तरीके से हम पका लेंगे, जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता तब तक हमें इस ग्रेवी को पकाना है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड किया है, तो सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे इसके अंदर। तो इसमें थोड़ी सी ड्राई कसूरी मेथी की लीव्स मैंने ऐड कर दी है एंड इसे एक बार मिक्स कर लेंगे हम। इसे मैंने कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए। अब कवर हटाया तो आप देख सकते हैं ऑयल पूरा अलग हो चुका है, दैट मीन्स हमारा मसाला जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है। तो एक बार मैंने यहाँ पर फ्लेम को लो कर दिया है, देन यहाँ पर मैं कॉर्न ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न लिया है तो इसे मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। एक बार इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब जिस जार में मैंने मसाला पीसा था उसमें हल्का सा पानी ऐड किया है, उसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें ऐड कर दिया है। देन अब मैं इसमें दूध ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है तो वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। देन एक बार फिर से इसे मिक्स कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर ऐड किया है एंड इसे कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट बाद में मैंने कवर हटा दिया तो आप देख सकते हैं ऑयल भी अलग हो चुका है, गरम मसाले का जो फ्लेवर था वो भी सब्जी में अच्छी तरीके से आ चुका है। तो अब मैंने फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दी है एंड इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से एंड इसका मतलब ऑयल थोड़ा सा और अलग हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक ही रखने वाली हूँ यहाँ पर मैं एंड ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, एक बार इसे भी मिक्स कर लेंगे फिर। तो यहाँ पर ऑयल अलग हो चुका है एंड हमारी कॉर्न की मसालेदार सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। चाहे इसे आप फलके के साथ में खाएं, पराठे के साथ में खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है एंड एकदम होटल से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आई एम श्योर आप ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।